नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत अपील के साथ। अपील ये कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय मास्क ही है। और आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम पर हुए हमले के साथ। शराब की तस्करी की खबर मिलने के बाद पुलिस जब छापेमारी के लिए पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर जमकर हमला किया, लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर तस्करी लगातार चल रही है और इस तरह से ये पूरा मामला सामने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर पुलिस शराब पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और उसके पास ही सशस्त्र सीमा बल की चेक पोस्ट भी है। भारत और नेपाल की सीमा के पास तस्करी रोकने और सुरक्षा का जिम्मा बिहार पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल पर भी है, लेकिन दोनों ही इस तस्करी को रोकने के लिए नाकाम इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि तस्करी लगातार हो रही है। और जब पुलिस को यह खबर मिली, पुलिस जब छापेमारी के लिए पहुंची तो देखिए पुलिस को भी किस तरीके से तस्करों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि जो तमाम लोग पथराव कर रहे हैं उनमें तस्कर भी शामिल है, वो लोग भी शामिल है जो इस तस्करी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आपको तस्वीरों में ये तमाम लोग दिखाई देंगे। हालात ये हो गए कि पुलिस वालों को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा। मोतिहारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शराबबंदी लागू है राज्य में, लेकिन हो ये रहा है कि चोरी छिपे शराब लाई जा रही है राज्य में, बेची जा रही है राज्य में, और जब पुलिस इन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो पुलिस को किस तरीके से पत्थरों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम वो लोग जो इसलिए मौजूद थे ताकि पुलिस को यहां से भगाया जा सके, ताकि पुलिस अगर कार्रवाई करे तस्करों पर, तस्करी को रोके तो पुलिस को सबक सिखाया जा सके। ये मोर्चाबंदी लोगों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो इस तस्करी को सपोर्ट कर रहे थे या फिर इसमें इन्वॉल्व थे। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम न्यूज 18 इंडिया को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मामले को उठाया है। ये लगातार हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक कह रहे हैं कि सरकार जो शराबबंदी कानून लागू की है, सरकार के लोग ही संरक्षण में, यहाँ कालाबाजारी होती है, तस्करी होती है शराब की, शराब माफियाओं की चांदी है। पुलिस को मोतिहारी तो छोड़ दीजिए, जिला है, पुलिस मुख्यालय जहाँ मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय है, विधानसभा है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मीठापुर पटना में जब पुलिस जाती है पकड़ने के लिए तो पुलिस बल पर हमला किया गया। ये घटना लगातार हो रहे हैं इस तरह के, इसके बाद भी सरकार कहाँ है? ये सरकार का इकबाल कहाँ है पुलिस प्रशासन का? इसे पुलिस पीटे जा रहे हैं, शराब माफियाओं का मनोबल कार्रवाई करने के लिए गई थी, पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए गई थी। कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ आप गरीबों को फंसाएंगे, गरीबों को जेल में डालेंगे, बाकी शराब माफियाओं का यहाँ चांदी है, वो जो है इसका धंधा फल फूल रहा है, वो 100 रुपया का शराब 1000 रुपया में होम डिलीवरी करवा रहे हैं, ये कैसा शराबबंदी कानून? मृत्युंजय जी, ये तमाम लोग, क्योंकि आपने भी इस पूरी मामले के बारे में जानकारी ली होगी, कहा ये जा रहा है कि ये वहीं पे रहने वाले लोग बॉर्डर के पास, और ये खुद भी इन्वॉल्व हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, ये इन जो भी लोग हैं इनका मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है, ये पुलिस वालों पर किस तरह से हमला कर रहे हैं और पुलिस वालों के साथ अब शराबबंदी राज्य में लागू है, शराबबंदी कानून लागू है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं सर, इसी का जवाब लेते हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी, ये इस तरह के हालात क्यों हैं? क्यों पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है? शराबबंदी आप लोगों ने लागू की, लेकिन कम से कम उसका पालन तो हो, तस्करी लगातार चल रही है। एक तो पुलिस वैसे ही कंट्रोल करने में नाकाम, लेकिन जब पहुंचती भी है तो लोग उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो मैं पूर्व मंत्री हूँ, मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ, मैं पार्टी का सदस्य बिहार विधान परिषद हूँ। ये चूंकि मुझे अद्यतन जानकारी इसकी नहीं है, उसके बावजूद ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है, राज्य के अंदर शराबबंदी का फैसला लिया गया तमाम दलों के सहयोग से लिया गया है और सब लोगों ने संकल्प लिया है, और ये तंत्र को ठीक किया जाना। अब ऐसे लोग जो शराबबंदी के कानून का मजाक उड़ाना चाहते हैं
और प्रशासकीय दायित्व के अनुपालन में गड़बड़ी कर रहे हैं तो कानून अपना काम करेगा। और यही है सर, यही अगर 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 दुनिया के अंदर में काम नहीं कर पा रहा ना, पुलिस पर इसकी जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं कि सीमा इलाका है, ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो क्या वहां पर तस्करी चलती रहेगी? सशस्त्र सीमा बल भी वहां पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, दोनों पर जिम्मेदारी है, फिर भी तस्करी क्यों? नहीं नहीं, इसका कारण यह स्पष्ट है ना कि राज्य पुलिस को अधिकार क्या है? राज्य पुलिस तो लगातार प्रयास कर रही है, अगर प्रयास नहीं करती तो पुलिस जाती कैसे उस गांव में? जो आप बता रहे हैं, आप ही बता रही हैं, हम नहीं देखे, हमको अद्यतन जानकारी नहीं है। पुलिस गई और वहाँ अवरोध उत्पन्न किया गया, वहाँ अवरोध उत्पन्न किया गया तो कार्रवाई होगी। तो सर मैंने वही तो आपसे कहा कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना पुलिस, पुलिस पहुंची, ये रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी भी सर रही आप हमारे साथ, पूरी बात मुझे भी कहने दीजिए, रस्म अदायगी नहीं 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 आप पूरी बात कहने दीजिए, ये नहीं आप रस्म अदायगी करिए। जब तो सीआरपीसी बना हुआ है, सीआरपीसी तो बना हुआ है ना, आईपीसी बना हुआ है ना, घटनाएं होती है तो क्या है प्रशासकीय दायित्व कि कानून अपना काम करेगा? ऐसा कोई मंत्र है कि जिससे यह हो जाए कि सीआरपीसी बना और सीआरपीसी बनने के बाद कोई अपराध की घटना नहीं हो? नहीं सर, तो राज्य में कानून का इकबाल भी तो दिखना चाहिए, नहीं कानून का भी तो दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं कानून नहीं, देखिए कितनी संख्या में लोग, सर मुझे लगता है आपने शायद तस्वीरें नहीं देखी, बड़े बड़े पत्थर उठाकर पुलिस पर मारे गए हैं। आप सोचिए पूरे राज्य में अगर ये तस्वीर जा रही होगी तो लोग क्या देख रहे होंगे, और वो जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन तक क्या मैसेज जा रहा होगा? सर रहिए आप हमारे साथ, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा अगर पुलिस पर हमला हुआ है तो? नहीं नहीं, आप अपनी बात कह दिया, हमको कहने नहीं दे रहे हैं। सर बोला तो आपको, आप बोल लीजिए, उसके बाद ही मैंने आपसे बोला। लगातार तीन बातें कही ना, आपने पुलिस के इकबाल पर कह दिया, तो पुलिस का इकबाल नहीं रहता तो गिरफ्तारी कैसे होती? पहला चीज यह आपने कहा कि पत्थर फेंका गया, हम इसे डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई हुई और कार्रवाई होगी। और ये शराबबंदी एक सामाजिक अभियान है, इसमें अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन दुनिया में कोई बाधा उपस्थित करेगा वो मानवता का दुश्मन है। मानी मैंने आपकी बात, लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, तो आप ये कानून की जो व्यवस्था दिख रही है इस वक्त मोतिहारी में, उस व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस पहुंचती है और पुलिस पर हमला होता है, पुलिस पहुंचती है पुलिस पर हमला होता है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? तस्करी होती है लेकिन पुलिस उस पर लगाम तो लगाए, कम से कम ये हालात तो ना बने कि पुलिस अगर कार्रवाई के लिए लगा सर कितनी देर तक आप ही बोलते रहेंगे? मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ है, मृत्युंजय तिवारी जी लगाम लगाने नहीं, क्या कहेंगे आप? पुलिस पहुंचती कैसे, कोई हम खबर किए थे, आप खबर किए थे? सर पुलिस पहुंची, हमला क्यों हुआ, पुलिस का इकबाल क्यों नहीं है, वो खौफ क्यों नहीं है जो होना चाहिए राज्य में कि तस्कर भी तस्करी करने से पहले 10 बार सोचें? जी रहिए सर, रहिए मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए पुलिस का इकबाल वो होता है जब पुलिस वर्दी में एक डंडे लेकर खड़े होते हैं तो अपराधी हिम्मत नहीं जुटा पाता उधर रास्ते से गुजरने की। यहाँ तो अपराधी हमला कर रहा है पुलिस पर, आए दिन इस तरह की घटनाएं रोज देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए ये सवाल उठता है कि जो शराबबंदी कानून राज्य में लागू है, इस शराबबंदी कानून का माखौल उड़ाने वाले को सत्ता का संरक्षण है, शराब माफियाओं का साम्राज्य कायम हो गया है, इस पर सरकार को कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जी। तभी लोगों को इस कानून का डर होगा। जब पुलिस का वर्दी का रौब जो है वो रौब नहीं रहेगा तो फिर शासन और प्रशासन का इकबाल, इसलिए हम लोग कहते हैं खत्म हो गया है। पुलिस का जो इकबाल होता है उसके डर से अपराधियों को छोड़ देना पड़ता है शहर, राज्य छोड़ देना चाहिए। नीरज कुमार, कानून लागू कराने के लिए अगर सरकार और बिहार की पुलिस, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सर यहाँ पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। आप सोचिए ये हालात बने कि पुलिस को यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। दो बात है ना, जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष यह कहता है कि गरीब लोगों को आप जेल भेज देते हैं। अब देखिए कैसा विरोधाभास है भाई, आपको तो सामूहिक रूप से संकल्प लिया है तो सरकार कार्रवाई करती है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और माफिया कौन है वो माफिया? अगर सत्ता का कोई भी व्यक्ति संरक्षण दे रहा है, इसकी अद्यतन जानकारी मिलेगी तो जेल की सलाखों में पहुंचेगा, उसको कोई बचाने वाला बिहार में नहीं है। तीसरी बात, यह जो भी घटना हुई है दुखद घटना हुई है, लेकिन कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। कोई अगर
कानून कुछ व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, प्रशासकीय व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, इस सामाजिक अभियान को कोई बाधा उपस्थित कर रहा है, तो यह कभी कतई मंजूर नहीं किया जा सकता है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपको सपोर्ट करना चाहिए, कह रहे हैं नीरज कुमार आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप सवाल उठाने लगते हैं, कार्रवाई तो कर रही है ना पुलिस? जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ, जब से बीजेपी के साथ ये चले गए, उस समय के बात देखिए, आंकड़ा शराबबंदी का क्या हाल हो गया बिहार में। अभी तो नेता प्रतिपक्ष सदन में जो सरकार के मंत्री है बीजेपी के, राम सूरत राय, उनका पूरा साक्ष्य के साथ उन्होंने दिया था सदन में कि देखिए किस तरह सत्ता का संरक्षण है शराब माफियाओं को। सरकार ने कार्रवाई क्या किया? सरकार तो बचाती है जो गुनाहगार है उनको, दोषियों को, और जो बेगुनाह है उसे फंसाती है। शराबबंदी कानून में जितने लोग जेल में है उनका देख लीजिए, लेकिन उससे बड़े बड़े जो गुनाहगार है वो घूम रहे हैं। तो सरकार को सिर्फ कार्रवाई करेंगे, और इस तरह हो रहा है नहीं, लगातार इस तरह के घटना हो रहे हैं, सरकार को तो इस पर कठोर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि फिर दोबारा कोई ये हिम्मत नहीं कर सके इस तरह का। अगर सरकार डबल इंजन की है, केंद्र से दिल्ली से लेके पटना तक सरकार इनकी है, तो फिर किसने रोका है? चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, हमारे आदमी है, हम है तो हमें गिरफ्तार करें। ठीक है मृत्युंजय जी, उनको गिरफ्तार करें। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस पूरे मामले को कवर किया है। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय जी, सिर्फ ये बताइए कि जब ये शराबबंदी लागू हुआ था उस समय आप लोगों ने भी साथ दिया था, और ये भी कहा गया था कि जब तक यह शराबबंदी लागू रहेगा तब तक हम लोग साथ देंगे, लेकिन अब इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं साथ देते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि फलाने जगह पर शराब पड़ा हुआ और उसको पकड़ा जाए, फिर आगे की कार्रवाई हो? नहीं, हम लोगों ने देखिए, अभी राम सूरत राय जी के मामले में आपने देखा, साक्ष्य के साथ तेजस्वी यादव जी ने पार्टी कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोगों के सामने सदन में बताया, सारा चीज दिखाया, क्या कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई सरकार को करनी है, हम लोग बता रहे हैं, जनता बताती है, लेकिन अब देखिए सरकार का जब इकबाल पुलिस का नहीं रहेगा, अब पुलिस को जब खदेड़ रही है शराब माफिया सचिवालय में भी, मीठापुर गुमती में आपको याद है जो घटना घटी थी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि खदेड़ दिया गया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। नीरज जी आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, पहले तो पूछना चाहिए कि टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। जो टोल फ्री नंबर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के कितने कार्यकर्ताओं ने, शराब की उपलब्धता अगर कहीं है तो राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसका इस्तेमाल किया है कि नहीं, और इस्तेमाल करने के बाद अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार दोषी है। दूसरी बात कि पुलिस प्रशासन, मैं आज आश्वस्त होना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आईबीएन चैनल के माध्यम से, कि मोतिहारी में जब पुलिस कार्रवाई हो रही है तो ऐसा नहीं हो कि पप्पू यादव वाला हाल हो जाए, कि पप्पू यादव जी का एक दिन में समर्थन कल विरोध वह नहीं हो जाए। कम से कम पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, विपक्ष के नेता आश्वस्त करें कि पुलिस अगर कानून के तहत काम कर रही है तो हमारा पूर्ण समर्थन है, तब समझ में आएगा कि आप शराबबंदी के प्रति प्रतिबद्ध है। नीरज कुमार जी, दो चीजें मुझे लगता है आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं। सर, तस्करी होना और तस्करी को रोकना, ये दोनों बातें तो ठीक है और पुलिस उसमें कार्रवाई भी करे, लेकिन मामला इसलिए गंभीर हो जाता है जब पुलिस को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती है। आप सोचिए, इस तस्करी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसको रोका कैसे जाएगा, कैसे तस्करों पर लगाम कसी जाएगी अगर ये हालात बनते कि पुलिस को अपनी ही जान बचानी पड़े। मसला दरअसल गंभीर इसलिए है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। नहीं नहीं, हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं अद्यतन जानकारी नहीं है, मुझे आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है तो मैं नीतिगत रूप से इन बातों को कहा। अब हमारी पुलिस वहां गई, कैसे गई और कैसे उसको भागना पड़ा, उस पर ईंटा पत्थर चला, इसकी अद्यतन जानकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेने के बाद मैं अपनी बात कह सकता हूँ। दूसरी बात, मैं यह समझ रहा हूँ, यह ठीक है आपका कहना कि जब देखिए शराबबंदी एक ऐसा फैसला है ना कि बहुत लोगों के पेट में मरोड़ है, तो वो तो अपना काम करते रहते हैं, और कानून को भी अपना काम करना है, तो जो तंत्र को ठीक किया जाना होता है, हमने लगातार इस दिशा में काम किया है, और ये जन जागरूकता का भी सवाल है, और लोगों का ये सवाल पर जन जागरूकता भी है, इतना बड़ा ह्यूमन चेन बनाया शराबबंदी के पक्ष में, इसलिए हमारी ये समझ है कि इस जो नेक्सस है,
इस नेक्सस को हम तोड़े हैं और तोड़ेंगे, सबका सहयोग अपेक्षित और पुलिस अपना काम कठोरता से करेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, क्योंकि ये भी जानकारी चंद्रमोहन बताएंगे आगे इस बारे में, क्योंकि ये जो लोग वहां पर मौजूद थे ये दरअसल इलाके के भी लोग थे जिन्होंने हमला किया। अब अगर इन पर कोई कार्रवाई होती है कठोर तरीके से, तो फिर आप लोग कहेंगे कि निर्दोषों को नहीं छोड़ा पुलिस ने, निर्दोषों पर हमला किया पुलिस ने, फिर आप लोग ऐसे भी तो आरोप लगाएंगे। कुछ सुनी, हम लोगों की सरकार सुनती कहाँ है? आप बताइए, जब साक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं सदन में, सारी बात को बता रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई मुजफ्फरपुर में स्कूलों में जो शराब मिले थे उसमें मंत्री का संरक्षण था? कार्रवाई आपको करनी है, हम लोग आप निर्दोष पर कार्रवाई करेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं क्या हुआ मीठापुर में, जब पुलिस को खदेड़ दिया गया पटना राजधानी में, उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई? आज भी राजधानी पटना में पौष इलाके में भी होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं? सर आप इससे कौन इनकार कर सकता है? क्या है सरकार, सरकार जितना फोकस करती है, ये तो बड़ा आरोप है चंद्रमोहन को लागू कराने में। पहले आप बताइए, क्योंकि आप लगातार वहां पर चीजों को देखते रहते हैं, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। मृत्युंजय जी देखिए, ये तो सवाल उठते रहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, कहीं शराब पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक उदाहरण जिसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके यह बताया हो कि फलाने आदमी जो है वो शराब तस्कर हैं और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, या फिर इस शराबबंदी को लेकर आप लोगों ने अब तक कितना सहयोग किया है सरकार को? देखिए, आप तो गवाह है इस बात के कि नेता प्रतिपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक अभी बीते सत्र में, पिछले सत्र में साक्ष्य के साथ तथ्यों के साथ सारी बात कही, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ सरकार के माननीय मंत्री पर? हमको बोलने दीजिए, साक्ष्य था इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हर बार पहले तो को दिखाया आपके माध्यम से मामले में जी जी आपके पहले ही दो बात मैं कह रहा हूँ, मंत्री जी के गृह जिले में ठीक है तरह के मामले आए। नीरज जी जवाब दे रहे हैं, मुझे पदाधिकारी दो बात कहनी है। पकड़ा गया था जी, क्या कार्रवाई हुई? ठीक है मृत्युंजय तिवारी, पहला बोलिए नीरज कुमार, आप बोलिए। प्रकोष्ठ के पदाधिकारी था, आपने पल्ला झाड़ लिया, जवाब दे रहे मृत्युंजय तिवारी, नीरज कुमार जवाब दे रहे हैं। नीरज जी, नीरज जी आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं सबसे पहले तो विनम्रता पूर्वक आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके सरकार के ऊपर। अरे जोर बोले जोर से बताइए तो, ऐसा हुआ है कहीं? अरे 18 मैं टोल फ्री नंबर लिखवा रहा हूँ आपके माध्यम से, दर्शक भी देख लेंगे और उन लोग को भी सुविधा होगी और प्रतिपक्ष को भी सुविधा होगी। 1-800-345-6268 ये टोल फ्री नंबर है, छोटा नंबर लिखना है तो भी लिख लीजिए 1-55-45, नाम भी नहीं बताया जाएगा। और दूसरा जो पलामू का है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उसका जनता दल से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? कोई प्रमाणित कर देगा मैं विधान परिषद से इस्तीफा दे दूंगा। और तीसरा माननीय राम सूरत राय पर आरोप लगा तो सदन के अंदर दूसरा पक्ष ने भी अपनी बात रखी थी, उसके बाद आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, नोट कर लीजिएगा ये नंबर, जहाँ जहाँ का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ भी आगे आपको तस्करी के मामले मिलते हैं इनको जरूर बताइएगा, इनकी पुलिस को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, तस्करी क्योंकि लगातार हो रही है, शराबबंदी के बीच इस तरह के मामले सामने आना लाजमी सी भी बात है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसको भी तो कंट्रोल करना होगा, तस्करी रोकी क्यों नहीं जा रही है? तस्कर इतने बेलगाम कि पुलिस पर हमला, जाहिर सी बात है। देखिए बिहार में तस्कर और खासकर के जो शराब तस्करी करने वाले लोग हैं वो इतने एक्टिव हैं कि पुलिस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि आज जब बड़ैला गांव में पुलिस की एक टीम गई एक घर पर शराब होने की जब जानकारी मिली और वहां पर पहुंची तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी है और एक जो चौकीदार का बेटा है वो भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको भर्ती कराया गया है। और इसी को लेकर मैं नीरज जी से यह जानना चाह रहा था कि आखिर इस तरह से कब तक पुलिस पर हमले होते रहेंगे, पुलिस वाले चोट खाते रहेंगे और यह कहा जाता है हमेशा कि यह कार्रवाई होगी, लेकिन आखिर कब तक ऐसे पुलिस वाले डंडे सहते रहेंगे, ईंटे पत्थर सहते रहेंगे और फिर वो बाद में होता है कि FIR करके और कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह कब तक होते रहेगा? बिल्कुल, और ऐसे पुलिस वालों का भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए बढ़ते आगे। असम के होजाई में मौजूद एक अस्पताल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां अस्पताल में कोरोना से मरीज की मौत के बाद गुस्साए घर वालों ने एक डॉक्टर की बुरी तरह से पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के अंदर कई लोग डॉक्टर के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। कोई उसे लातों से मारता दिखा तो उस पर कोई घूंसे बरसाता नजर आया। एक आदमी तो उस पर ताबड़तोड़ बर्तन से वार कर रहा था। अस्पताल के अंदर मारपीट करने के बाद मरीज के घर वाले उसे बाहर ले गए और वहां भी उसकी पिटाई की गई। एक महिला भी उससे मारपीट करती रही। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नाराजगी जताई, जिसके बाद 24 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। मारपीट की यह घटना कल यानी कि 1 जून की बताई जा रही है और इस घटना पर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने महामारी एक्ट के तहत आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो अब तक 24 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से भी नाराजगी जताई गई है। बताया जा रहा है कि एक मरीज की कोरोना से मौत के बाद उसके घर वालों में जबरदस्त गुस्सा था और ये गुस्सा कुछ इस तरीके से घर वालों ने उतारा। एक डॉक्टर की बड़ी ही बेरहमी के साथ पिटाई की। डॉक्टर को चोट आई है, फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग ये कहते रहे कि नहीं मारो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो डॉक्टर को पीटते रहे। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति ने इस मुद्दे पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। 24 लोगों को पकड़ा हुआ है और जो वीडियो था हमारे पास, वीडियो का अनुसार जितना लोग था लगभग सभी को एक आध रह गया, बाकी सभी को पकड़ लिया। एक लेडी भी पकड़ी गई है। सो 24 लोग ये बदमाश बल के हमने उठाया है, उस पर एक केस दर्ज किया हुआ है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने सेक्शन लगाया है, इंक्लूडिंग PDPP एक्ट, DM एक्ट एंड असम मेडिकल सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। अभी एपिडेमिक एक्ट भी लगाने का हम प्रबंध कर रहा है। मरीज की मौत से नाराज घर वालों ने पहले डॉक्टर को अस्पताल के अंदर पीटा, इसके बाद उस डॉक्टर के साथ अस्पताल के बाहर भी मारपीट हुई। डॉक्टर के साथ मारपीट की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अस्पताल के अंदर की, जहां पर जमकर डॉक्टर के साथ पिटाई की गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप अस्पताल के बाहर की देख रहे हैं। अस्पताल के बाहर भी डॉक्टर को ले जाकर जमकर पीटा गया, डॉक्टर के कपड़े तक फाड़ डाले गए। महिला भी डॉक्टर को पीटती नजर आई, चप्पल से पीटा गया, जो भी हाथ में लगा उससे डॉक्टर को पीटा गया। डॉक्टर फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। ये देखिए अस्पताल के भीतर की तस्वीर। तो बर्तन से भी पीटा गया। एक बार फिर से देखिए 2 तस्वीरें, जिनको देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बेरहमी के साथ एक शख्स को पीटा गया। ये शख्स डॉक्टर है। अस्पताल के भीतर की तस्वीर है, अस्पताल के अंदर भी पिटाई, बर्तन से पीटा गया, चप्पल से पीटा गया, लात से पीटा गया, घूंसे मारे गए और कपड़े तक फाड़ डाले गए। अस्पताल के बाहर भी जमकर कई लोगों की तरफ से डॉक्टर को यूं ही पीटा जाता रहा। महिला भी इसमें शामिल नजर आई। पुलिस वाले, हालांकि एक पुलिसकर्मी की तरफ से रोकने की कोशिश हुई, लेकिन इस सब का भी कोई असर नहीं हुआ। कई लोगों ने भी ये कोशिश की कि डॉक्टर को किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन ये तमाम लोग जो मरीज की मौत से गुस्साए थे, इन्होंने डॉक्टर को नहीं छोड़ा और इस कदर पिटाई की कि फिलहाल डॉक्टर अस्पताल में भर्ती है। तो मारपीट की वजह से डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और ये घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में अस्पताल के अंदर डॉक्टर की पिटाई की गई, वो तस्वीर आपके सामने। कई लोग डॉक्टर को बुरी तरह पीट रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर में डॉक्टर बुरी तरह जख्मी और डॉक्टर का फिलहाल चल रहा है इलाज। गंभीर चोटें आई हैं डॉक्टर को, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर का इलाज चल रहा है, लेकिन किस तरीके से ये पूरा हंगामा हुआ, ये पूरी मारपीट हुई, ये पहली तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर एक डॉक्टर और मारने वाले कई, जिनकी तरफ से अस्पताल के भीतर ही लात घूसों चप्पलों से डॉक्टर की पिटाई की। डॉक्टर की पिटाई की इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
इस बर्बर हमले में शामिल 24 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जल्द से जल्द चार्जशीट भी दर्ज होगी। मैं खुद इस घटना की इस जांच की निगरानी कर रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि इसमें न्याय होगा। अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई की घटना पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिस तरह से कोरोना अस्पताल में एक डॉक्टर को मारा पीटा जा रहा है, ये दिल दहला देने वाला मामला है। कौन है ये हैवान? क्या है इनका नाम? इन हैवानों को कड़ी सजा होनी चाहिए। तो अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, भरोसा दिया गया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि नाराज घर वालों ने ये पूरी मारपीट की है और इस मारपीट का वीडियो जब सामने आया तो कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री की तरफ से भी नाराजगी जताई गई है और ये भरोसा दिया गया कि कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर इस घटना के विरोध में असम के गुवाहाटी में डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई लोग हाथों में नारे लेके पर्चे लिए दिखाई दिए और इस दौरान डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। सरकार से इस तरह की घटना रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की। बहुत ही दुखद था हम लोगों के लिए, बहुत ही डरावना है और ऐसे भविष्य में ना हो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं इसके बाद ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस तरह के घटनाओं के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कुछ लॉ निकाले ताकि हम डॉक्टरों का मतलब सेफ्टी इंश्योर हो, वरना हम कैसे अपना सर्विस देंगे अगर हम लोगों का ही सेफ्टी इंश्योर ना हो। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कैरेबियाई देश डोमिनिका में अब से कुछ ही देर बाद मेहुल चोकसी के मामले में सुनवाई होगी। डोमिनिका पहुंचे भारतीय अधिकारी सबूत पेश करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मेहुल चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है। एंटीगा एंड बारब्यूडा से डोमिनिका गए मेहुल चोकसी को डोमिनिका पुलिस ने अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मेहुल चोकसी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिनमें वो अपनी चोट दिखाते नजर आए। डोमिनिका चाहे तो वो उसको एनी टाइम एक्सट्राडाइट डिपोर्ट इंडिया को कर सकती है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है उनके लिए। एंटीगा से लाने के लिए, क्योंकि वो एंटीगन सिटीजन है तो आपको फिर एक्सट्रेडिशन प्रोसेस के थ्रू ही आप ला सकते हैं, तो कोर्ट्स में आपको फाइट करना पड़ेगा। बट जब वो डोमिनिक, अब उसका कहना है कि मेरे को किडनैप करके वहाँ ले जाया गया, तो फिर दैट मे हैव अ डिफरेंट एंगल टू द होल स्टोरी ना। चोकसी को भारत लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने कोशिशें तेज कर दी है। CNN न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में रिपोर्ट यह है कि डोमिनिका कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की जाएगी जिसमें यह कहा जाएगा कि मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है और उनकी नागरिकता कभी वापस नहीं ली गई। इसके अलावा चोकसी का परिवार मुंबई में रहता है। इस याचिका में कहा जाएगा कि चोकसी ने भारत में अपराध किया है, इसलिए उन्हें भारत भेजा जाना चाहिए। मेहुल चोकसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। डोमिनिका के अखबार एसोसिएट्स टाइम्स के हवाले से खबर है कि मेहुल चोकसी के बड़े भाई चेतन चिनुभाई चोकसी ने डोमिनिका में विपक्षी पार्टी के नेता लेनॉक्स लिंटन से 2 घंटे के लिए मुलाकात की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चिनुभाई ने लेनॉक्स लिंटन को मामले को दबाने के बदले चुनावी चंदे का वादा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेतन ने लिंटन को $2,00,000 टोकन मनी भी दिया। भारतीय रुपयों में यह रकम 1.5 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, चोकसी के भाई ने विपक्षी सांसद को भविष्य में और पैसे देने का भी वादा किया। It was the Prime Minister of Antigua who said that these Indian officials who have come in recent days will be presenting evidence or providing evidence to the government team here that Mr. Chokshi is a fugitive from justice.
और इस बीच आपको यह भी बता दें कि मेहुल चोकसी भले ही हिंदुस्तान से बाहर हो, लेकिन मेहुल चोकसी के मुंबई के घर पर तमाम एजेंसियों के नोटिस चिपके हुए हैं। ईडी, इनकम टैक्स, बैंकों के नोटिस से उसके घर की बाहरी दीवारें अटी पड़ी हैं। पीएनबी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी इस समय हिंदुस्तान से बाहर है और भगोड़ा उसे घोषित कर दिया गया है। लेकिन आज की जो अहम सुनवाई है डोमिनिका कोर्ट में, वो काफी ज्यादा अहम है। वो डिसाइड करेगी कि मेहुल चोकसी का एक्सट्रेडिशन भारत में होना है या नहीं होना है। लेकिन आपको हम मेहुल चोकसी का घर दिखाना चाहेंगे जहां पर तमाम एजेंसियों के नोटिस चिपकाए गए हैं। ईडी, इनकम टैक्स, बैंक रिकवरी के सारे नोटिस चिपकाए गए हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम मुंबई के पॉश इलाके मलबार हिल के गोकुल अपार्टमेंट के 9वीं मंजिल पर है, जहां पर मेहुल चोकसी अपने परिवार के साथ रहता था। घोटाला करने के बाद मेहुल चोकसी अपने परिवार के साथ यहां से भागकर फरार हो गया। लेकिन मेरे पीछे आप जो मेहुल चोकसी के घर देख रहे हैं, वहां पे देखिए जांच एजेंसी, रिकवरी एजेंसीज जितनी हैं, उन्होंने पूरे फ्लैट के दरवाजे, उनके घर के बाहर जो है बाकायदा नोटिस चिपका दिए हैं, रिकवरी नोटिस चिपका दिए हैं। नजारा इस तरीके से हो गया है कि अब जो एजेंसीज आ रही हैं, उनके पास अब जगह नहीं बची है कि आखिरकार इन नोटिसों को कहां पर चिपकाया जाए। ये नोटिस इनकम टैक्स की है, ईडी की है, सीबीआई ने जो पंचनामा किया था उसकी है। ये दरवाजा फुल होने के बाद देखिए बगल की जो दीवार है वहां पर भी तमाम एजेंसियों ने ये नोटिस चिपका दिए है, ताकि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उस पर पूरी तरह से एजेंसीज है वो तैयार रहे। अब अंदाजे लगाइए कि पूरे दरवाजे पर जो अगल बगल की जो एरिया है वहां पर नोटिस है, उसमें पूरा भरा पड़ा है ये दरवाजा, और दरवाजा पे जगह नहीं बची है, तो एजेंसियों ने बगल की दीवारों पर नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया है। अगर मैं अपने कैमरामैन रमेश से बोलूंगा थोड़ा आपको जूम करके दिखाया, देखिए ये जो नोटिस है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की नोटिस है, जहां पर उन्होंने यहां पर जो रिकवरी थी उसको लेकर छानबीन की थी। और साथ में देखिए इसमें मेहुल चीनू भाई चोकसी बकायदा नाम लिखा हुआ है, और बाकी के जो फैमिली मेंबर है उनके भी नाम लिखे हैं। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि एंटीगा एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी के साथ किसी तरह की डील से इनकार किया है। विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद उन्होंने ये सफाई दी है। विपक्ष ने पीएम गैस्टन ब्राउन पर पैसे लेकर चोकसी को पनाह देने का आरोप लगाया था। गैस्टन ब्राउन विपक्ष पर भी निशाना उनकी तरफ से साधा गया। पीएम गैस्टन ब्राउन ने चोकसी पर विपक्ष के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मेहुल चोकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था और उसने एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। और इसी बीच एक चिट्ठी भी सामने आई 14 अक्टूबर 2019 को लिखी। इस चिट्ठी में एंटीगा एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री की तरफ से चोकसी पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया और साथ ही चोकसी की नागरिकता रद्द करने की भी सिफारिश करते हुए उसे भारत भेजने की मांग की गई थी। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। इस बीच ज्यादातर राज्यों ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद शराब को खरीदने की जैसे होड़ सी मच गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर कोलकाता की, दूसरी तस्वीर जम्मू की। दोनों जगह पर शराब खरीदने के लिए दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई दी। जम्मू जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अभी भी केस क्योंकि बढ़ रहे हैं इसलिए सख्ती लागू है, लेकिन जब शराब की दुकान खुली तो देखिए लंबी लंबी कतारों में लोग शराब की दुकान के बाहर खड़े दिखाई दिए, लेकिन भूल गए कोरोना नियमों का पालन करना। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू किया गया ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके, लेकिन इस बीच 1 जून से सरकार की तरफ से शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद शराबों की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई। शराब लेने की होड़ में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। कुछ मास्क पहने दिखे, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी दिखे जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए मास्क लगाया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए, एक दूसरे के बेहद करीब लोग खड़े दिखाई दिए। शराब की दुकान खुलते ही लगातार दूसरे दिन कोलकाता में शराब की दुकानों पर उड़ रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। लोग एक दूसरे से चिपक करके यहां पर दुकानों पर भीड़ लगा करके खड़े हैं। कई के चेहरों पर मास्क भी नज़र नहीं आ रहा है और यही नज़ारा जो कोलकाता के कई जो शराब की दुकानें हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। और
ये जो आंशिक लॉकडाउन है इसमें राहत देते हुए राज्य सरकार ने 12 से 3 के बीच शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। वीरे जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, कोलकाता। कितने देर से लाइन में हो? आज तो 2 दिन हो गया अभी खुला हुआ है। पर चिपक चिपक के खड़े हैं लोग यहाँ पर, कोरोना ऐसा कोरोना तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट वैक्सीन ले रहे हैं। इसी को तो अभी सरकार बोल रहा वैक्सीन है, थोड़ा तो वाइल लेने से वैक्सीन का वो डिपार्टमेंट जो है वैक्सीन का उसमें टेम्पर को कम मिलेगा थोड़ा, ऐसे तो वैक्सीन नहीं मिल रहा हम लोग को, क्या करें हम लोग। वैक्सीन नहीं मिल रही तो वाइन लेना है, ये वाइन लेना मतलब ये एक्चुअली वैक्सीन हम लोग का टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर लो होने से तो वो बोलेगा कि आपका कोरोना हुआ है वैक्सीन लेना पड़ेगा, बुखार भी हुआ तो आपको बोलेगा पेट में भर्ती होना पड़ेगा 14 दिन के लिए, ये करना पड़ेगा, सेफ साइड कैसे रहना पड़ेगा, तो इससे अगर कोरोना ले ले वैक्सीन जारी। उधर जम्मू में लगभग 2 महीने के बाद शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ लग गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी लगाई गई, लेकिन कई लोग कोरोना नियमों को तोड़ने के साथ पुलिस की बात भी नहीं मान रहे हैं। के चलते जम्मू में लॉकडाउन हुआ था और पिछले 2 महीने से शराब की दुकानें बंद थी, आज दुकानें खुली हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो शराब लेने के लिए कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। जम्मू का ये त्रिकुटा नगर का इलाका है, अगर आप देखें तो दुकान के बाहर कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। हालांकि सोशल डिस्टेंस की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो लोगों को यहाँ पर कतार में रख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि SOP का भी पालन साथ साथ किया जाए। लेकिन जम्मू प्रांत के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ पर भी शराब की दुकानें खुली हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लोग शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और जहाँ तक कि देखा जाए तो जो लॉकडाउन के चलते बंद हुई थी दुकानें उससे लोग जो थे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन आज दुकानें खुलने के बाद अगर आप देखें तो किस तरह से कतारें हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों को यहाँ पर लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। दिल्ली में भी अनलॉक शुरू होते ही कई जगहों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आनंद विहार इलाके की तस्वीर आई आपको दिखाते, कुछ लोग बिना मास्क लगाए नजर आए, कई लोग ठीक ढंग से मास्क नहीं पहने हुए थे। आनंद विहार बस अड्डे के बाहर भी काफी संख्या में लोग नजर आए जो 2 गज की दूरी का नियम तोड़ते दिखाई दिए। दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फैक्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया है उनको खोल दिया गया है और ये वजह है कि लगातार रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर मजदूरों के वापस दिल्ली लौटने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम आनंद विहार बस अड्डे के पास मौजूद हैं, रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि एक बार फिर से भीड़ जो है इन इलाकों में जुटने लगी है, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है दिल्ली और ऐसे में लोगों को लगता है कि उनका काम, उनका रोजगार एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और ये वजह है कि वो जो अपने गांव लौट चले थे वो अब वापस दिल्ली आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक परेशानी वाली बात ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी आपको नज़र आ जाएंगे जिन्होंने जो मास्क है वो भी चेहरे पर ठीक से नहीं लगाया है, कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आ जाते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आनंद विहार का इलाका जो आमतौर पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे देखिए भाई मास्क क्यों नहीं लगाया, कहाँ लगाया ठीक से, ये देखिए कि बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं और मास्क किसी ने ठीक से भी नहीं लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार की, जहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है भैया मास्क क्यों नहीं लगाया ठीक से। नो जी सर, बीमारी का डर नहीं लगता है? नहीं सर, बेक रहे थे ना, आवाज़ लगा रहे थे तो थोड़ा तेज आवाज़ जाती है। उधर राजस्थान में आज से शर्तों के साथ बाजार खुलने की इजाजत दी गई, लेकिन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई लोगों ने कोरोना नियमों का पालन भी नहीं किया, यानी मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने में भी दिखाई लापरवाही। राजस्थान में आज से लॉकडाउन में ढील दी गई है, अनलॉक शुरू हो गया है और 6 से 11 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति है। और तस्वीर देखिए कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक आप देखिए कि तस्वीरें देखिए कि जयपुर के सोडाला में हमें और आम दिनों की तरह नज़र आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति है। और ढील भी काफ़ी सीमित है, सब छूट नहीं है मार्केट के अंदर, ज़रूरी सामान की शॉप्स है उन्हीं की छूट है। ये किराना की शॉप्स की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
6 से 11 बजे तक का टाइम है, यानी कि 11 बजे बाद में शॉप फिर बंद हो जाएगी। और लोगों में कहीं कहीं ये डर है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो लॉकडाउन में छूट मिल रही है ये सीमित हो। ये तस्वीरें देखिए कि जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहीं पर भीड़ उमड़ रही है। मैं आगे की तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सभी जगह पर इस तरीके की भीड़ उमड़ रही है और हर तरह की शॉप। सबसे ज़्यादा जो भीड़ इस वक्त जुट रही है वो किराना शॉप पर ज़्यादा है, जहाँ लोग किराना का सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोगों को डर है कि राशन ले लिया जाए किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं हो कि आगे फिर सख्ती कर दी जाए। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गोले बने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। कोई गोले में नहीं खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है। मास्क की तस्वीरें देखिए कि आधा मास्क कई लोगों को लगा हुआ, इवन दुकानदारों का। आप देखिए कि इस दुकान में जो सामान बेच रहे हैं उनका देखिए आप किस तरह से पालना हो रही है। और आइए अब तस्वीर आपको मुंबई की दिखाते हैं। कुछ इसी तरीके के हालात दिखाई दिए मुंबई में। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए बोरीवली सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने 2 गज की दूरी का भी ख्याल नहीं रखा और कई लोग बिना मास्क के ही सब्जी मंडी में दिखाई दिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होने के बाद लोग सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करना भूल गए हैं। मैं इस समय बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूं, यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है और ना ही यहां पर कोई मास्क लगाया हुआ मिल रहा है। करीब आधे लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि ये सब्जी और फल बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है जिससे कोविड के फैलने का खतरा ज़्यादा है। साथ ही साथ आप देखिए तो जितने भी फल विक्रेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब भी उसी तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अमूमन यही हाल पूरे मार्केट भर का है जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मास्क, उसका नहीं लगाए हैं और उस चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण कोविड के संक्रमण का खतरा और तेजी के साथ बढ़ सकता है। बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूँ, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अमूमन सभी लोग सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं लेकिन जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? और पुलिस लगातार अभी अनाउंसमेंट कर रही थी। हमको तकलीफ होता है अंदर से, मास्क पहनते हमको तकलीफ होता है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या आप फिर से लॉकडाउन चाहते हैं क्या? नहीं, मास्क जिस तरीके से लगाए हैं उसको आप मानते हैं कि उस सही मास्क था? अभी आपने लगाया, अच्छा लगता है। अभी आपने खींचा, उसके पहले तो आपने खोल के रखा हुआ था? अब पहले ही से मैं लगाया था, उसे मैं खींच के रखा नहीं था, मैं इसे ही रख। बिल्कुल यहाँ पर देखिए पुलिस एक तरफ आपको दिखाई पड़ रही है कि पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना हो या मास्क लगाने की बात हो वो सारी चीज़ों को लेकर के एक्शन कर रही है लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस की टीम देखिए लगातार कोशिश कर रही है कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें लेकिन लोगों के भीतर अभी भी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है।